हाँ जी, क्या हाल है? बस शांति। गुजराती छू, गुजराती छू, गुजराती हिंदू, गुजराती समझते हो ना? हाँ, तो गुजराती हूँ। अरे गुजराती हम समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। गुजराती समझ तो लेते हैं, तो आप तो बोल ले रहे हो थोड़ा बहुत हिंदी। हाँ जी, बोलो। किस जिले में हैं आप? खेड़ा जिला से। खेड़ा? यही तो बस स्टैंड में मजा है, कई जिले के लोग मिल जाते हैं। मैं आया हूँ, गांव देहात का क्या माहौल है ये बताओ, किस पार्टी का लोग ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं? गुजरात में तो समझो दो ही पार्टी चलती है, कांग्रेस और भाजपा। लेकिन क्या है कि ये बैठक है, ये डभोई बैठक, उन पर जो मधु श्रीवास्तव है ना अपक्ष, उसका सिक्का इधर तो ज़्यादा चलता है। अरे यार, मधु श्रीवास्तव डभोई से लड़ी नहीं रहे, उनका सीट बागोलिया, दूसरा सीट। हाँ। अच्छा अच्छा, ये जानकारी दे। और हमारे हमारे यहाँ से तो आप अपने यहाँ बताओ, ज़्यादा इधर का नाम हमको मालूम है सीट। अच्छा, उनका सीट मधु श्रीवास्तव का विस्तार पड़ता है, मऊदा विस्तार में कांग्रेस आएगी। मऊदा विस्तार पड़ता है, मऊदा सीट पे कांग्रेस आएगी। क्यों? क्योंकि उधर क्या है, जो मुस्लिम मतदार हैं वो तो कांग्रेस को ही देते हैं, और जो क्षत्रिय वोट है ज़्यादा वोट है वो भी कांग्रेस ही है, क्षत्रिय, इसलिए वो कांग्रेस ही आएगी, यहाँ भाजपा नहीं आएगी। गई बार कौन जीता था? वो भी कांग्रेस थी। अच्छा, तो ये आम आदमी पार्टी झाड़ू वाला खाली शोर मचा रहा है क्या? ये तो उसका कुछ नहीं है। हा? कुछ नहीं है। अरे हमको बता रहे थे लोग सूरत में है, यहाँ है, वहाँ है। सूरत में है वो सही है, लेकिन सूरत में भी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। आप क्या करते हैं? एडवोकेट थी। गलत? वकीलों का मोदी सरकार और ये बीजेपी सरकार ने गुजरात में कुछ किया है कि नहीं? कुछ नहीं किया है। क्या किया है, क्या किया है मोदी साहब ने? क्या किया है मोदी साहब? सही है, लेकिन उनके नीचे जो काम करने वाले हैं ना, उनका जितना भ्रष्टाचार तो पूरी कांग्रेस में नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, उनका जितना भ्रष्टाचार पूरी कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना मंतव्य है। नहीं, नहीं, आप अपना बताइए। गुजरात सरकार की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार वाली? गुजरात सरकार की बात कर रहा हूँ। अभी गुजरात में भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ने कैसे भ्रष्टाचार कर किया है वो भी बताता हूँ। मानो आज सभी संपत्ति सरकारी प्राइवेट कर दी, प्राइवेट कर दी तो वो सही है, कर दी, लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसके पीछे उनकी टकावारी होती है। अगर वो टकावारी उनकी तक नहीं पहुंचती है तो वो फाइल साइन ही नहीं होती है। अच्छा, हर चीज़ में कमीशनबाजी। हाँ, जैसे कि इंदिरा गांधी के शासन में, और राजीव गांधी भी खुद बोलते थे कि हम एक रुपया भेजते हैं नीचे तो सिर्फ 15 पैसा पब्लिक को नीचे पहुंचता है, ऐसा बोलते। लेकिन इससे भी ज़्यादा इधर ये सरकार में तो कौभांड है, ये कोई मीडिया वाले दिखाते नहीं, दिखाते या नहीं दिखाते वो उनके ऊपर तो आक्षेप नहीं करता हूँ मैं, लेकिन क्या है जो भाजपा सरकार है और मीडिया को अपने दबाव में रखती है, तुम जो भी मानते हो। हम इसलिए नहीं मानते कि आप जो बोले हैं वो हम दिखा देंगे, और हमको कभी इस तरह का दबाव नहीं, और जो मन होता है वो हम बोलते हैं, और हमें तो कोई दबाव आया नहीं, इसलिए जिस दिन आएगा हम मानेंगे और उस दिन हम बता भी देंगे। लेकिन आप ये बताइए कि गुजरात में सरकार किसकी आएगी? चलो आपकी सीट पर तो कांग्रेस आएगी, या तो को तो खिचड़ी सरकार बनेगी या तो भाजपा आएगी। ये जो भाजपा रिकॉर्ड कर रही है 150 सीट पाएंगे, पाएगी? नहीं नहीं नहीं, नहीं।